आज वाले वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग आउटडोर से, क्योंकि बात करने वाले हैं माइक्रोमैक्स इन नोट 2 के कैमरा के बारे में। इसके लास्ट वीडियो अनबॉक्सिंग एंड क्विक रिव्यू की थी, आपने अगर नहीं देखा तो देख सकते हो। काफी इंप्रेसिव मोबाइल लगा है मुझे, और इसे कैमरे की फुल डिटेल टेस्टिंग इस वाले वीडियो में कर लेते हैं। अपना कैमरा ओपन कर लेते हैं। बहुत ही सिंपल से कैमरा यूआई, सारे के सारे फंक्शनैलिटी आपको सामने सामने दिख जाएंगे। और अगर आप यहाँ पे मोर में जाओगे तो एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी दिख जाएगा आपको यहाँ पे। सबके बारे में बात करेंगे इस वाले वीडियो में। ऊपर में आपको सेटिंग्स देखने को मिल जाएगी। एचडीआर है इसके अंदर, एचडीआर ऑटो भी है नॉर्मल मोड पे। और सेटिंग्स के अंदर आपको यहाँ पे ईआईएस देखने को मिल जाएगा, ग्रिड लाइन है यहाँ पे, शटर साउंड ऑन ऑफ कर सकते हो, और यहाँ पे वाटर मार्क भी है, वाटर मार्क को ऑन कर देते हैं आप लोग के लिए। और वीडियोस की बात की जाए तो आपको यहाँ पे 1080p और 30fps रिकॉर्ड कर सकते हो। और आपको यहाँ पे 4K का भी सपोर्ट मिलता है, 720 का भी सपोर्ट मिलता है। 4K पे आप 30fps जा सकते हो, और 720p पे 30 और 60 दोनों जा सकते हो। और सबसे अच्छी सेटिंग्स होती है 1080p 30fps, उसी के ऊपर रिकॉर्ड करेंगे हम लोग इस वाले वीडियो में, इसका जितना भी वीडियो सैंपल होगा। सो स्टार्ट करते हैं स्लो मोशन से। आ जाओ कंटेंट यूजेबल है, क्वालिटी उतनी ज्यादा अप टू द मार्क नहीं लगी मुझको। तो थोड़ी सी पोर्ट्रेट सेल्फीज भी ले लेते हैं। ये जो स्माइल वाला एआई है भाई, स्मार्ट बहुत है, बढ़ाने से आंखें बड़ी करता है, गोरा करता है चमड़ी आपकी, और आपको बहुत ज़्यादा क्यूट कर देता है। तो फुल पे करके वो फोटो लेते हैं। वो भाई साहब इतना क्यूट, अभी क्यूटनेस को जीरो कर देते हैं, हैंडसम कर देते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? हाँ, आपका नाम? सत्यम। सबसे स्मार्ट यही है तुम लोग में, पता है? अच्छी फोटो आई है। अभी मैक्रो फोटोग्राफी कर रहे हैं थोड़ी बहुत, अगर आप डिस्टेंस देखोगे तो बहुत ज़्यादा क्लोज है, और फोकस में कुछ भी इशू नहीं आ रहा है। मैक्रो फोटोज देखते में तो काफ़ी अच्छे, लेकिन क्वालिटी उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं आपको देखने को मिलेगी। और मैक्रो फोटो सैंपल आप देख सकते हैं। और इसका जो कैमरा जो है थोड़ा बहुत लैग करता रहता है, जैसे कि अगर आपको मैं दिखाऊं 30fps का, तो उतना ज़्यादा फास्ट देखने को आपको नहीं मिलेगा। और अगर मैं प्रेस एंड होल्ड करता हूँ तो कंटिन्यूस क्लिक है इसके अंदर, जो कि काफ़ी फास्ट है, मैक्सिमम आपको 20 फोटोज ले सकता है ये। वैसे डायरेक्ट सनलाइट में एक्सपोजर बहुत अच्छा मेंटेन नहीं कर पा रहा है, लेकिन ओवरऑल फोटोज में कलर्स अच्छे आए हैं। और अगर डिटेलिंग देखनी है आपको तो यहाँ देखो, कार की डिटेलिंग अच्छी से मेंटेन की गई है और कलर्स भी अच्छे आए हैं। इसके अंदर एचडीआर के भी ऑप्शन मिल जाएगा आपको। ये वाली फोटो एचडीआर ऑफ करके लिए हमने, अभी एचडीआर ऑन कर देते हैं। ऑनेस्टली एचडीआर की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है, एचडीआर पे काफी ज्यादा काम करना बचा हुआ है। ऑफ करके थोड़ी सी अच्छी फोटो आ जाती है, नेचुरल फोटो में कहूंगा उसको। इंसानों के भी फोटो ले लेते हैं, क्योंकि इंसानों का फेस सबसे इंपॉर्टेंट होता है। और धूप में फोटो ले लेते हैं भाई। सो मेरे राइट साइड से अभी सनलाइट आ रही है, अभी एचडीआर ऑफ करके फोटो ले रहे हैं हम लोग, देखते हैं कैसे एक्सपोजर मेंटेन करता है। और अभी एचडीआर ऑन कर दिया हमने। सो ऐसा करते हैं कि अभी वीडियो की टेस्टिंग कर लेते हैं थोड़ी सी। और ये वाला सैंपल है सेल्फी वीडियो का, भाई क्वालिटी तो काफी सही से लग रही है, डिटेलिंग भी सही लग रही है, हल्का सा क्लियरिटी एक्स्ट्रा एडेड है। सो अपना व्लॉगर मोड ऑन हो चुका है माइक्रोमैक्स इन नोट 2 से। सो अभी मैं थोड़ा बहुत वॉक कर रहा हूँ, राइट साइड पे अगेन सनलाइट्स आ रही हैं। अगर आपको मैं दिखाऊं तो कैसे एक्सपोजर मेंटेन करता है सेल्फी कैमरा में, पूरा पूरा बर्नआउट हो गया यहाँ पे, जो कि अच्छी बात नहीं है। सनलाइट के अगेंस्ट जाता हूँ मैं, तो यहाँ पे इसने मेंटेन कर लिया है, लेकिन बैकग्राउंड अगेन ब्लोन आउट है। ब्लैक रंग की टी शर्ट पहनी हुई मैंने, तो एक्सपोजर मेंटेन है, अगर वाइट होता तो पूरा ही ब्लोन आउट हो जाता। तो थोड़ा सा कैमरे के साथ दौड़ लिया जाए। ओ भाई काफ़ी तेज़ दौड़ा हूँ मैं ऐसे। वीडियो क्वालिटी के बारे में काफ़ी अच्छा अंदाज़ा हो गया होगा। और अभी हम 1080p पे रिकॉर्ड कर रहे थे, अभी इसको स्विच करते हैं 720p पे। तो ये है 720p की वीडियो क्वालिटी। आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि आप 1080p ही यूज़ करो, 720 में कुछ ऐसा रखा हुआ नहीं है। और कैमरे के अंदर आपको रॉ फोटोज़ का भी ऑप्शन मिल जाता है,
सेम प्रोफेशनल मोड के अंदर एक्सपोजर, आईएसओ, वाइड बैलेंस, हर एक चीज आप मेंटेन कर सकते हो इससे। और अगर आपको प्रो मोड यूज करने आता है तो डेफिनेटली आप बहुत ही अमेजिंग फोटोज इसे निकाल सकते हो। और फोन के अंदर काफी सारे एक्स्ट्रा फीचर्स हैं, जैसे कि इसका जो क्यूआर कोड वाला फीचर है बहुत काम आता है। डिस्टेंस में आजकल क्यूआर कोड वाला सिस्टम चल रहा है मेन्यू के लिए, तो देखते हैं टेस्ट करके। तो ये एक अपकमिंग प्रोडक्ट है हमारे पास, क्यूआर कोड स्कैन किया, बहुत फास्ट है, इसने एक सेकंड में गूगल पर सर्च भी कर दिया, तो भाई दम तो है। बाकी इसके अंदर सेल्फ पोर्ट्रेट, टाइम लैप्स और पैनोरामा है। भाई ये पैनोरामा और टाइम लैप्स तो बहुत कम लोग यूज करते हैं और पता होगा आपको फीचर, लेकिन ये सेल्फ पोर्ट्रेट ट्राई करते हैं। प्लीज मूव स्मूथली टू लेफ्ट एंड राइट। ओके, तो काइंड ऑफ पैनोरामा सेल्फी जब आप ग्रुप सेल्फी लोगे ना तो काम आएगा, लेकिन जो उसकी क्वालिटी आ रही है ना वो अप टू द मार्क नहीं है और काफी एवरेज सी है, तो शायद आप यूज नहीं करोगे। तो फोटो वीडियो सब हमने ले ली, अब बात कर लेते थोड़े से कैमरा डिटेल के बारे में। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि किसी भी कैमरे में आपको मेन सेंसर, पोर्ट्रेट मोड, वाइड एंगल और कभी कभी स्लो मोशन काम आता है, और इन्हीं सब चीज के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। बहुत सारी फोटोज ली हम लोग ने। सबसे पहले बात करते हैं ह्यूमन पोर्ट्रेट्स की। जैसे ये बच्चे की फोटो है, तो अगर इसमें मैं आपको जूम करता हूँ, हेयर के डिटेल्स आ रहे हैं, इसका डैंड्रफ लिटरली दिख रहा है यहाँ पे, फेस टोन थोड़ा सा रेडिश है, लेकिन इंडियन स्किन टोन ऐसा ही होता है, तो मुझे उसमें भी कोई कंप्लेंट नहीं है, लेकिन सैचुरेशन थोड़ा सा ज्यादा है यहाँ पे। और अगर ये सेल्फी फोटो की बात की जाए 16 मेगापिक्सल के हिसाब से सेल्फी क्वालिटी थोड़ी सी कम लग रही है मुझको, डिटेलिंग अच्छी नहीं है यहाँ पे, आप दाढ़ी के बाल नहीं गिन सकते हो यहाँ पे, लेकिन अगेन वही कलर्स अच्छे हैं, सैचुरेशन ठीक ठाक सा है और बैकग्राउंड के जो हाइलाइट्स हैं उसको भी अच्छे से मेंटेन नहीं कर पाया है। ये वाली फोटो है, राइट साइड से आपको सनलाइट आ रहा है, पूरा ब्लोन आउट है, लेकिन अगेन क्वालिटी काफी अच्छी है, डिटेलिंग काफी अच्छी है। बेसिकली कैमरे में क्लियरिटी को थोड़ा सा ज्यादा एक्सटेंड कर दिया गया, जिसके वजह से आपकी फोटोज अच्छी आती है, लेकिन कहीं ना कहीं सैचुरेशन का लेवल थोड़ा ज्यादा है। पोर्ट्रेट मोड की बात कर लेते हैं, फोटोज अच्छी आती है जब आप सब्जेक्ट पे काफी ज्यादा क्लोज रहो, लेकिन जैसे ही आप दूर जाओगे एज डिटेक्शन थोड़ा सा अननेचुरल सा आता है और ओवरऑल फोटोज की जो फील है अननेचुरल हो जाती है। कहीं कहीं पे बहुत अच्छा काम किया है और कहीं कहीं पे काफी अननेचुरल है। पोर्ट्रेट मोड पे एज डिटेक्शन की कमी है, लेकिन कलर्स एंड ऑल काफी अच्छे हैं इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से, और अगर आप से क्लोज रहोगे तो पोर्ट्रेट मोड बहुत अच्छा आएगा। और 5 मेगापिक्सल का वाइड एंगल काफी एवरेज से लगा है, मतलब कलर सैचुरेशन की वजह से अच्छा है, डिटेलिंग बिल्कुल नहीं है, काफी सॉफ्ट सॉफ्ट सा फोटो हो जाता है। वाइड एंगल इसका एवरेज है कलर्स एंड क्वालिटी के हिसाब से। तो अगर बात करते हैं ओवरऑल कैमरे के बारे में, इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से मुझे कैमरा अच्छा लगा है, बहुत ज्यादा इंप्रेसिव नहीं है, लेकिन डेली लाइफ में जितने भी काम होते हैं, सेल्फी लेना है आपको, फोटोज क्लिक करना है, वीडियोस बनाना है, तो अगर मैं फाइनली कंक्लूड करूं इस मोबाइल के कैमरे को, बहुत ज्यादा टॉप नॉच कैमरा इसको मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से बिल्कुल भी खराब कैमरा नहीं है और डेफिनेटली अच्छा कैमरा डिलीवर किया है। इस बार एचडीआर में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, एप्लीकेशन के यूआई में हल्का फुल्का लैग आ रहा है, लेकिन ओवर टाइम अपडेट के बाद वो फिक्स हो जाएगा, क्योंकि पूरे फोन का जो एक्सपीरियंस है एकदम क्लीन है, पूरा पूरा स्टॉक एंड्रॉइड है। मुझे लगता है फ्यूचर में थोड़ा सा अपडेट के बाद और अच्छा हो जाएगा, होप सो। और इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे रखते हैं, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आ गया होगा। पसंद आता है इस वीडियो को तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब करके अपने साथ जुड़ सकते हैं फॉर मोर ऑसम टेक कंटेंट। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।